नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक एवं मर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं, शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, दी अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे आहत होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ऑथ दे हैव अंडरटेकन। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूं। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, इसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। और कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उनका वो लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था और इसलिए वो मैदान छोड़कर के भाग गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूं और न ही मैं यहां कोई डिबेट पे स्कोर करने के लिए आया हूं। मैं तो देश का सेवक हूं, देशवासियों को मेरा हिसाब है, देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूं। आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि फर्टिलाइजर के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और हमने करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपया फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी है। और जो भारत के आजादी के इतिहास में सर्वाधिक है और उसी का परिणाम है कि हमारे किसान को फर्टिलाइजर का इतना बड़ा बोझ
उस तक हमने जाने नहीं दिया, सरकार ने अपने कंधे पर उसको उठा लिया है। आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थी। पहले की तुलना में अनेक गुना ज्यादा खरीदी कर करके हमने किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों में हमने कांग्रेस सरकार की तुलना में धान और गेहूं किसानों तक 2.5 गुना अधिक पैसा पहुंचाया है।